राज्यों में वैक्सीन खत्म होने से टीकाकरण में मुश्किल हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 8 करोड़ रुपए की कोरोना वैक्सीन से लदा ट्रक 10 घंटे तक नरसिंहपुर के करेली के पास लावारिस खड़ा रहा। पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी लगने के बाद हड़कंप मच गया। ड्राइवर की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि ट्रक से कोरोना की एंटीडॉट को वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हो रही थी। मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे, इस संबंध में जिला टीकाकरण अधिकारी को सूचना भी दी। पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर ड्राइवर के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस कराई, जो कि 15 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर बाईपास के आगे फोरलेन किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि हैदराबाद से पंजाब ट्रक जा रहा था, झाड़ियों में ड्राइवर मोबाइल फेंक कर भाग गया। जांच में पता चला कि ड्राइवर का नाम विकास है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, जो उत्तर प्रदेश के अमेठी का रहने वाला है। वहीं वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन कर रही कंपनी के अधिकारियों से पुलिस की बात हुई तो उन्होंने बताया कि नागपुर से दूसरा ड्राइवर भिजवाया है। पेट्रोलिंग के दौरान करीबन दोपहर में 1 बजे जानकारी मिली, वहाँ की न्यू बस स्टैंड के पास एक लावारिस हालत में ट्रक काफ़ी देर से खड़ा है, उसका जो एसी है वो चालू हालत में है। जब मौके पर जाके देखा गया तो जो ट्रक में कोई भी ड्राइवर कंडक्टर नहीं था, फिर उसमें लिखे जो कुछ दस्तावेज से जानकारी मिली कि ये जो ट्रक है उसमें कोवैक्सीन जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो भरी हुई है। 364 बॉक्स मतलब है, बिल भी उसमें लगा हुआ है। तब उसमें लिखे कुछ ना मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया उसके ट्रांसपोर्ट कंपनी से, TCI करके गुड़गांव की कंपनी है, तो उस ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उसने बोला कि ड्राइवर से वो लगातार संपर्क कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है।